बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। अरशद शरीफ हक और सच के साथ खड़ा होने वाला शख्स था। सहाफत में अरशद शरीफ की सबसे ज्यादा इज्जत करता था। चेयरमैन PTI इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब, आइन की बालादस्ती को समझना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला। वीडियो पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि कमीशन बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को दरख्वास्त देंगे। ये वाकया हम सब के लिए काबिल अफसोस है। शफाफ तहकीकात करके हकायक कौम के सामने लाएंगे। कीनिया के सदर से भी शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट भेजने का कहा। सीनियर साफी अरशद शरीफ का कत्ल, GHQ ने तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त। इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ आइन के तहत कार्रवाई की भी इस्तदा। मरहूम सीनियर साफी अरशद शरीफ का जज्ते खाकी कीनिया से दोहा पहुंच गया। अरशद शरीफ की मैयत रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचाई जाएगी। तदफीन जुमरात को H11 कब्रिस्तान में होगी। इस्लामाबाद में अरशद शरीफ के घर पर ताजियत करने वालों का तांता। सियासी, समाजी और साफी शख्सियात की अरशद शरीफ के अहल खाना से ताजियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। रियाज में जारी समिट में आलमी सरबराहान और मंदबीन की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में आलमी महिशत को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के हल पर गौर होगा। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी। हेडलाइंस आपने जानी A1 TV से। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।